श्रीमान जी, हम सभी निवेशक पीएसएल लिमिटेड कंपनी के निवेश पीड़ित हैं, जिसका शाखा कार्यालय खुर्जा NH2 प्लाजा में HDFC बैंक के नीचे GT रोड पर था, जो 22 अगस्त 2014 से मैनेजमेंट अपनी मर्जी से करोड़ों रुपए की संपत्ति व ग्राहकों के करोड़ों रुपए के ओरिजिनल दस्तावेज व 22 अगस्त 2014 को करोड़ों रुपए नकद जमा निवेश के रूप में ऑफिस में बंद करके अपने घर चले गए, जिसमें कुछ निवेशकों ने अगले दिन ऑफिस ना खुलने पर मैनेजर अजय तोमर से फ़ोन से बात की कि ऑफिस क्यों नहीं खुल रहा है, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा उस दिन से 30/12/2019 तक ऑफिस बंद रहा और शाम के समय करीब 3 बजे के आसपास वेद प्रकाश वर्मा अपने किसी निजी कार्य से HDFC बैंक की शाखा खुर्जा में आए तो देखा कि कार्यालय खुला हुआ है और सामान इधर उधर पड़ा हुआ देखा कि और ग्राहकों का ओरिजिनल रिकॉर्ड जला दिया गया है और ऑफिस की संपत्ति तथा नगद का कोई पता नहीं है। जो कुछ शेष रिकॉर्ड है तो उसमें पानी भर दिया गया है। इसमें मैनेजर व स्टाफ व मालिक मकान की साजिश है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: अजय तोमर, धीरज उपाध्याय, देवेंद्र पंकज, नीरज गुप्ता, रवि, रमाकांत कौशिक, सलमा, मोहम्मद रजा, अंजू, मंजिराम और दुकान मालिक। एक लाइन और बढ़ानी है यहाँ। दुकान की बजाय भैया मकान मालिक निवेशकों को फोन करके बुलाया और पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस मौके पर आई, 2 नंबर पर मकान मिला दुकान मालिक 112 पे कॉल की। वो सर इवेंट नंबर वगैरह और वो सारी चीजें और जो वाहन आया है वो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वो और उनको वीडियो बनवाई। थोड़ी लैंग्वेज ही तो पड़ रही है।